हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूँ आपका ब्लूप्रिंट डिजिटल पर। मेरा नाम है वसीम चौहान और बेटा हम रसायन विज्ञान पढ़ रहे हैं और जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है धातु और अधातु। आज मैं भाग 5 लेकर आया हूँ आपके लिए और इस भाग में मैं आपको धातु की प्राप्ति कैसे होती है, कितने चरणों में कितने स्टेप हम यूज़ करते हैं इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। देखो बेसिकली जो है 5 स्टेप है, 5 चरण है जहाँ से हम धातु की प्राप्ति कर सकते हैं ना। एक बार इनके नाम मैं आपको बता दूँ फिर समझाऊंगा 1 बाय 1। देखो पहला चरण जो है, जो अयस्क हमने पढ़ा, जैसे कि मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में कि खनिज और अयस्क में क्या अंतर होता है। तो जो अयस्क होगा उसको पहले हम एक पाउडर फॉर्म में क्रश्ड करते हैं, पीस लेते हैं। उसको पीसने के लिए बड़ी बड़ी मिल्स होती हैं, तो जो धातु के अयस्क हैं उनको पीसा जाता है बेटा। पीसने के बाद क्या होगा, जो अयस्क है, अयस्क में कुछ हमारा इम्प्योरिटी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एनरिचमेंट किया जाता है। यानी कि अयस्क को पास लाते हैं और जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको थोड़ा सा हम प्रयास करते हैं कि जितना वो दूर हो सकती हैं उतना दूर हो जाए, है ना। खैर उसके बाद क्या होगा, तो इस स्टेप में बहुत सारी अशुद्धियाँ जो हैं वो दूर हो नहीं पाती हैं। तो एक थर्ड स्टेप होता है, उसका नाम क्या होता है, देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। वहाँ पर हम क्या करने वाले हैं कि जो अयस्क है ना, उसमें जो धातु है, तो या ऐसे कहो कि अयस्क का जो है उसकी धातु के ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं। क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछता है कि जब हम धातु की प्राप्ति कर रहे होते हैं तो अयस्क को हम डायरेक्ट धातु में परिवर्तित ना करके उसको धातु ऑक्साइड में परिवर्तित क्यों करते हैं, क्योंकि अयस्क को डायरेक्ट धातु में परिवर्तित करना थोड़ा सा बेटा मुश्किल होता है। इसलिए पहले उसको धातु ऑक्साइड यानी उस धातु के ऑक्साइड में परिवर्तित किया जाएगा और फिर उस धातु के ऑक्साइड को अपचयित किया जाएगा, रिड्यूस किया जाएगा उसकी धातु में, यानी जो मेरा 4th स्टेप होगा, है ना बेटा। तो 4th स्टेप जो है उसमें हम क्या करेंगे, जो यहाँ पे हमें मिला है 3rd स्टेप में मुझे धातु ऑक्साइड मिलता है। अब उस धातु ऑक्साइड को, धातु ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाएंगे हम। जब जब ऑक्साइड ऑक्सीजन हटती है तो बेटा उसको क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। यानी धातु ऑक्साइड जो है धातु में परिवर्तित होगी, या मैं ऐसे कह दूंगा कि धातु ऑक्साइड का अपचयन होता है ना बेटा। चलो लास्ट जो हो जाएगा, यहाँ पे मुझे धातु मिल गई है, मतलब 4th स्टेप में धातु मिली है, लेकिन धातु यहाँ पर जो है 100% शुद्ध नहीं है, उसमें कुछ ना कुछ कमियाँ हैं, कुछ ना कुछ मतलब अशुद्धि है, तो उसका शोधन करना आवश्यक होता है। लास्ट में हम उसका शोधन करते हैं और हमें इस तरीके से धातु प्राप्त हो जाती है। तो ये सारे स्टेप आपको सीखने हैं 1 बाय 1 ठीक से करके। ये पहले 2 हम आज बात करेंगे, मतलब भाग 5 में, और जो बाकी के बचे हैं उनको हम बेटा आने वाले भागों में मतलब ठीक से पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आपको रजिस्टर और पेन साथ में लेके बैठना है और चीज़ों को बिल्कुल फोकस के साथ नोट करते जाना है। देखो जो ये पहला स्टेप है इसमें तो कुछ बताने वाली बात ही नहीं है ना। तो जैसे अयस्क का पीसना है बस, वहाँ पे मिल होंगी और मिल्स के द्वारा उसको पीसा जाएगा, है ना। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूँ वो जो ये सेकेंड वाला है कि अयस्क का जो एनरिचमेंट होता है, हिंदी में इसको बेटा हम समृद्धिकरण कहते हैं। तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग लिखो आप प्लीज फास्ट से, हेडिंग आपको लिखनी है अयस्क का समृद्धिकरण। तो 5 स्टेप है वैसे, पहला स्टेप बहुत आसान था तो उसके बारे में बात नहीं करनी है। तो बेटा देखो ये जो वर्ड है आप पे वाला, इसका देखो मतलब क्या होता है इंग्लिश में बेटा, इसको एनरिचमेंट कहा जाता है, है ना। अब कैसे होगा इसका, देखो अयस्क का जो ये समृद्धिकरण है, कई तरीके हैं उसको करने के, है ना। जो पहला जो स्टेप होता है वो बेटा क्या है कि पानी, सपोज करो कि जो आपका पिसा हुआ अयस्क है तो उसको आपने बेटा एक ऐसे स्थान पे ले गए कि जहाँ पर कुछ सीढ़ियाँ वगैरह हैं, सीढ़ी स्टेप वगैरह कुछ है, है ना। और जो पिसावा रूप था उसका, आपने उसको यहाँ पे रख दिया ऐसे करके, ठीक है, ऐसे करके, और पीछे से आपने कुछ पानी वगैरह यहाँ से डाला है, ठीक है। अब जो ये यहाँ पे पिसावा अयस्क है उसमें 2 चीज़ें हैं, एक तो उसमें आपकी धातु है और दूसरा कुछ हमारी अशुद्धियाँ हैं, है ना। अब जैसे पानी यहाँ से बहाओगे, आप पानी बहाओगे तो जो धातु है, हो सकता है धातु पतली हो और जो अशुद्धियाँ हैं वो भारी भारी हो, या उल्टा भी हो सकता है कभी कभी कि जो अशुद्धियाँ हैं वो मोटी मोटी रह जाएँ और धातु थोड़ी क्या हो जाए बेटा, पतली पतली हो जाए। हम ये मान के चल रहे हैं कि धातु हमारी जो है थोड़ी मोटी है और अशुद्धियाँ जो रेत वगैरह है, गैंग कहते हैं उसको, वो थोड़ा पतला है। तो जैसे आप पानी यहाँ से बहाओगे तो जो धातु है, धातु और रेत दोनों बहेंगे, लेकिन गुरुत्वाकर्षण, क्योंकि मतलब वो द्रव्यमान पर निर्भर करता है, अगर जो हमारा धातु जो है बेटा हमारी पतली है, मतलब थोड़ा मान लो भारी है, है ना, तो धातु जो है पानी के साथ बह के बेटा कुछ यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, कुछ यहाँ पर इकट्ठी हो जाएगी, और जो हमारा बेटा इम्प्योरिटीज़ हैं, अशुद्धियाँ हैं, क्योंकि वो हल्की थी, मैंने इसको हल्की माना था, तो वो बेटा दूर यहाँ पर बह कर आ जाएंगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया है कि कुछ जो गैंगिंग है उसको हटा लिया है,
तो ये जो पहला मैच में मैंने आपको बताया जहाँ पर पानी से मैंने मतलब इसको अशुद्धियों को थोड़ा अलग किया है, उसका नाम क्या होता है बेटा? देखो उसको बोलते हैं हम द्रव द्रव संचालित संचालित समृद्धिकरण। ओके, तो आपको ध्यान रखना है कि इसमें है ना, इसमें कुछ नहीं होगा, बस एक लिक्विड का यूज किया जाएगा और वो पानी जो है उसको बहा के ले जाएगा। तो बहुत आसान सा था कि जो पाउडर फॉर्म में आपकी ओर आई है, अयस्क आया है ना, उसके उसको पानी के साथ बहा दिया गया है, हल्की चीज बह के बेटा दूर पहुंच जाएगी और जो थोड़ी भारी चीज है वो हमारा बेटा ना पास पास चल जाएगी। देखो सेकंड जो मेथड है ना वो भी काफी महत्वपूर्ण है, उसको हिंदी में कहते हैं प्लेन 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 प्रलवन प्लेन प्रलवन प्रक्रम। थोड़ा मुश्किल सा नाम लग रहा है आपको, तो इंग्लिश में देखो उसको क्या बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं इसको फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड का मतलब समझो क्या होता है, देखो नाम हिंदी मुश्किल है, एक दो बार पढ़ोगे तो आप याद कर लोगे, लेकिन ये महत्वपूर्ण है काफी। इसमें क्या होगा, जो आपने अयस्क को पीसा था, जो आपकी बेटा अयस्क पिसाव रूप में था, आपको उस आपने उसको क्या किया, कंटेनर में डाला है, एक मतलब चैम्बर टाइप है, आपने चैम्बर में उसको डाल दिया। और इसमें बेटा जो ये चैम्बर था इसमें दो चीजें हैं, एक तो पानी है इसमें है ना, एक तो इसमें पानी है और एक तेल है, चीड़ का तेल का नाम सुना होगा आपने ना, तो जो चीड़ का तेल होता है तो एक वो है इसमें। और आपने सुना होगा कि तेल और पानी आपस में मिलते नहीं है ना, आप घर में देखना पानी के गिलास में या किसी जो बाल्टी वगैरह होती है उसमें तेल डालोगे तो तेल ऊपर ऊपर तैरता रह जाता है, मिलता नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही जो पिसावा अयस्क था आपने इसमें यहाँ पे डाल दिया ऐसे करके, तो शुरुआत में तो नीचे बैठ जाएगा वो। अब आपने यहाँ से जो है मतलब इसमें एक स्पेस है, यहाँ से स्पेस में मतलब क्या करना, वायु को भेजना है, कंप्रेशन देना है वायु का, संपीड़न संपीड़न एक शब्द यूज किया गया है। तो मतलब जैसे यहाँ से आप प्रेशर के साथ वायु को भेजोगे तो ये तेल और पानी जो है, तेल जो ऊपर ऊपर था वो नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें दो चीजें हैं, जो अयस्क मैंने यहाँ पे डाला था पिसे हुए रूप में, उसमें एक तो धातु है और एक अशुद्धियां हैं, तो इनका गीलापन जो है मतलब जो हमारी धातु है वो तेल के साथ गीली होती है ना। आप खुद देखोगे कि अगर धातु के ऊपर आप पानी ऐसे मतलब पानी बहाओगे है ना, तो पानी उसको पूरे पूरे तरीके से गीला करता नहीं है, लेकिन जो तेल अगर मल लोगे आप धातु पर, तो तेल जो है धातु के पूरे सतह पर फैल जाता है ना, अच्छे से वो मिल जाता है। तो जो धातु होती है वो तेल के साथ गीली होती है, वेटिंग क्वालिटी की बात कर रहे हैं हम, वेटिंग का मतलब गीला होना होता है ना, तो धातु जो है तेल के साथ गीली होती है और जो अशुद्धियां हैं रेत है वो पानी के साथ गीला होता है, तो इनके गीला होने में थोड़ा अंतर है ना, इनका नेचर जो है थोड़ा सा अलग अलग है, वेटिंग क्वालिटीज कहते हैं इंग्लिश में हम। तो जैसे ही मतलब आपने यहाँ से हवा भेजी है और हवा की वजह से जो तेल है वो नीचे आना शुरू करता है, बुलबुले इसमें उठते हैं, ये जो फ्रोथ फ्लोटेशन था ना, फ्रोथ का मतलब झाग होता है, तो यहाँ पे झाग वगैरह बनेंगे और तेल जो है अपने साथ बेटा क्या होगा, तेल अपने साथ धातु जो का जो अयस्क था, अयस्क जो था बेटा उसको जो है वो कहाँ पे लेकर आएगा, ऊपर लेकर आएगा, क्योंकि मैंने बताया कि धातु जो है वो तेल के साथ गीली होती है। अब जो यहाँ से ऊपर आ गया है अयस्क, उसको निकाल लेंगे हम, यही तो हमारा काम था, हम क्या चाह रहे थे कि जो इम्प्योरिटीज हैं, जो अशुद्धि है वो थोड़ी कम हो जाए, तो अशुद्धि पानी के साथ गीली होकर नीचे बैठ गई है और जो हमारा अयस्क है बेटा वो क्या आ गया है, ऊपर आ गया है। इसी मेथड को फ्रोथ फ्लोटेशन या प्लेन पलवन प्रक्रम कहते हैं हिंदी में, है ना, तो आपको ध्यान रखना बेटा। एक तीसरा मेथड और होता है, देखो तीसरा मेथड क्या है इसका, वहां पर कुछ अगर मेरी धातु ऐसी है कि उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है ना, तो वहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, तो सी जो है उसको बोलते हैं विद्युत चुंबक, और बेटा क्या बोलेंगे उसको, विधि है ना, ये बोलते हैं। अब इसमें क्या करने वाले हैं, देखो यहाँ पर क्या है, तो इस तरीके से बेटा कुछ व्हील्स टाइप होंगे, बड़े बड़े होते हैं, यहाँ तो मैंने छोटा सा बना दिया इसको है ना, और यहाँ से इसके ऊपर से एक स्ट्रिप होती है, पट्टी होती है, बहुत बड़ी बड़ी पट्टी होती है, इसके बेल्ट कहेंगे, बल्कि पट्टी नहीं कहेंगे, बेल्ट कहते हैं इनको, और ये बेल्ट मेरा ऐसे घूम के आएगी और इस तरीके से जाएगी बेटा ऐसे करके। ठीक है, अब देखो कहानी क्या होती है, जो हमारे व्हील्स हैं या ये पहिए टाइप आपको लग रहे हैं, ये चुंबक के बने होते हैं, मैग्नेट मैग्नेट के बने होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से इस बेल्ट पर आपने जो जो पिसावा अयस्क था, पाउडर्ड जो क्रश्ड ओर कहेंगे इंग्लिश में, या पाउडर्ड ओर और हिंदी में कहेंगे पिसावा अयस्क, जो आपने मतलब पहले स्टेप में किया है ना, उसको आपने यहाँ पे रखा है। अब जब ये पहिए घूमेंगे ऐसे करके ना, ये ऐसे ऐसे हमारे क्या करते हैं, घूमते हैं, तो ऐसे घूमने पर जो इनकी बेल्ट है वो भी आगे बढ़ेगी, फिर तो
तो जो अयस्क है वो ना, जो हमारा पूरा अयस्क, अयस्क में दो चीजें हैं, अयस्क में एक तो धातु है ना, और थोड़ी सी बेटा क्या है हमारा वहां पर इम्प्योरिटीज भी है, जो दोनों की दोनों पिस गई है ना। अब जैसे यहाँ पर ये आएगा तो ये ऐसे ऐसे आ रहा है देखो पूरा। अब इसका हम कब यूज करेंगे, जो धातु का अयस्क है वो थोड़ा सा चुंबक वाला उसमें गुण है, तो खुद सोचो कि रेत जो है, इम्प्योरिटी जो है, उसमें तो चुंबक वाले गुण नहीं है। तो जैसे ही यहाँ से आगे बढ़ना स्टार्ट होगा तो जो रेत है वो स्टार्टिंग से ही मतलब यहाँ पे बेटा गिरना शुरू हो जाएगा, लेकिन जो हमारा चुंबक, जो अयस्क था, अयस्क में कुछ चुंबक वाले गुण है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कुछ, तो वो स्टार्टिंग में यहाँ पर गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो व्हील है, पहिया है, ये भी एक तरह का चुंबक है ना। तो बेटा वो थोड़ा सा इसके साथ क्या होगा, चिपक जाएगा, और वो इस तरीके से आके यहाँ ना गिर के बेटा वो थोड़ा सा मतलब कहाँ गिरेगा, दूर जाके गिरता है, यानी इम्प्योरिटी गिरेंगी यहाँ पर जाकर, और जो मेरा धातु का अयस्क है वो दूर दूर जाके गिरेगा। तो यहाँ से हम इसको हटा लेंगे फिर अयस्क को, है ना। तो अब अयस्क में जो है मतलब गैंग कम हो गया है। तो ये तीन विधि थी बेटा जिसके द्वारा हम जो है धातुओं का समृद्धिकरण कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये भाग पसंद आया होगा, और फिर भी आपके सुझाव अगर हमारे लिए हैं तो बेटा कमेंट सेक्शन आपके लिए बिल्कुल खुला है, आप कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव प्लीज दीजिएगा, और हमारे चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि जब धातु का जो अयस्क है वो समृद्धिकरण हो चुका है उसका, तो उसको हम धातु ऑक्साइड में कैसे परिवर्तित करने वाले हैं, और वहीं मैं आपको बताऊंगा कि जो निम्न क्रियाशील वाली धातु होती हैं उनका जो शोधन है या उनका जो मतलब प्राप्ति है वो कैसे की जाएगी, है ना। तो बेटा मिलता हूँ मैं आपसे भाग 6 में, तब तक आप पढ़ते रहो और देखते रहो, अपना ख्याल रखो, बाय।